नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर जगह जगह पूजे गए गुरुजन। सिम्स सहित अनेक संस्थानों में हुए कई कार्यक्रम। आरक्षक को झापड़ मारने वाली महिला और उसका भाई गिरफ्तार। नो एंट्री में ट्रक ले जाने से हुआ था विवाद। भारत पाक के रोमांचक मैच में पाक ने लिया पिछली हार का बदला, दर्शक हुए मायूस। और गणेश पंडालों में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का बढ़ाया जा रहा उत्साह। आइए दर्शकों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह गुरुजनों की पूजा और उन्हें मान सम्मान दिया गया। सभी विद्यालयों में विशेष रूप से इस दिवस को मनाने तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा में विधायक धरमलाल कौशिक, वार्ड पार्षद दुर्गेश नंदन कौशिक के द्वारा क्षेत्र के शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुजनों को शाल, श्रीफल और मेमेंटो भेंट कर इस दिन को यादगार बनाया गया। वास्तविक में जो गुरु है वो समाज के, आधुनिक समाज के निर्माता है, और समाज स्वस्थ रहे, समाज सकारात्मक दिशा में चले, प्रदेश का उससे विकास हो, ऊंचाइयों को प्राप्त हो, इनके पीछे जो गुड़ भरने का काम होता है वो गुरुओं के द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूँ कि साल में एक ऐसा दिन है जहाँ पर गुरु पूजन का कार्यक्रम और इसके माध्यम से सब गुरुओं का यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम किया जाता है। प्राइमरी स्कूल में माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी शिक्षकों को साल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करके पूर्व राष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जन्म जयंती को मनाया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। सोमवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सिम्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षकों की आरती कर स्वागत किया गया। इसके बाद सिम्स के डीन सहित अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। 5 सितंबर को हमारे द्वितीय राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस को उपलक्ष्य मनाया जाता है। वो एक बहुत बड़े महान शिक्षक थे, उनकी याद में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इधर सीएमडी महाविद्यालय में सम्मान की परिपाटी निभाते हुए छात्र छात्राओं ने शिक्षकों का चरण स्पर्श कर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। महाविद्यालय परिवार द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में सम्मान पाकर गुरुजनों ने कहा उनकी मेहनत युवाओं की सफलता पर सार्थक हुई है। आज के दिन हर शिक्षक बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो विद्या का दान देता है। अगर आप पैसे का दान देते हैं वो एक दो दिन में, एक महीने में, दो महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं वो आगे 5 लोगों करता, वो 5 आगे, तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन होता है। और विद्यादान सर्वोत्तम ध्यान कहा गया है, इसलिए शिक्षक दिवस हमारे लिए गौरव का दिन है। स्टूडेंट्स अपने तरफ से आकर अपना जो पसंद टीचर्स को अपना विशेष का थ्रू अपना कृतज्ञता पेश करता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। टीचर्स को सभी को आज का दिन का बहुत ही याद रहता है। टीचर फील्ड इज ए नोबल फील्ड है, सो सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स के तरफ से अच्छा लगता है ये दिन का। एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, और जैसा आप जानते हैं कि जितना घर्षण या फ्रिक्शन कम हो उतनी अच्छी तरह से गति होती है। तो ये चूंकि मानसिक क्रिया है, इसलिए टीचर का सम्मान करने से विद्यार्थी को अपने ज्ञान प्राप्ति में सुविधा होती है। तो शिक्षक का सम्मान शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थी के मन में श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल के खत्म होने के बाद सोमवार को सभी शासकीय कार्यालयों में चहल पहल देखी गई। पिछले 12 दिनों से सारा कामकाज ठप था। न्यायालयों में प्रकरण पेंडिंग पड़े रहे, वहीं विभिन्न विभागों में फाइलें 1 इंच भी नहीं खिसकी। सोमवार को जैसे ही दफ्तर खुले लोग अपने अपने काम को लेकर विभाग में पहुंचे। सप्ताह में 2 दिन सरकारी छुट्टी मिलने पर भी अधिकारी कर्मचारी दफ्तर समय पर नहीं पहुंचते।
ताज़ा तस्वीरें सोमवार दोपहर 1:15 बजे ली गई हैं। कार्यपालन अधिकारी के साथ पूरा विभाग घोर लापरवाही बरत रहा है। कार्यालय के मुखिया समेत उनके मातहत सभी अधिकारी कर्मचारी गायब थे। दोपहर 1:15 बजे जिधर नजर दौड़ाई वहां कुर्सी खाली थी। लोक निर्माण विभाग के विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग का ऐसा नजारा अक्सर होता है, जब सुबह 11 और 12 बजे तक ईईएन टोपो समेत एसडीओ, इंजीनियर, सब इंजीनियर और दफ्तर के लेखा अधिकारी कर्मचारी नदारद होते हैं। सप्ताह के पहले कार्य दिवस सोमवार को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के केवल 5 कर्मचारी दफ्तर पहुंचे थे, जबकि बाकी सभी दोपहर तक नहीं आए थे। 12 दिन चली फेडरेशन की हड़ताल के बाद शनिवार इतवार की छुट्टी रही। 14 दिनों बाद खुले दफ्तर में ऐसा नजारा गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इधर उधर टहल रहे कुछ लोगों ने कैमरा देखते ही अपनी जगह पर बैठना मुनासिब समझा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी के नहीं रहने पर यहां क्या कामकाज होगा आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े साहब इंजीनियर फील्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनका समय पर दफ्तर पहुंचना या नहीं पहुंचना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो वहां का माहौल कैसा होगा यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नो एंट्री में ट्रेलर ले जाने से रोकने पर आरक्षक से दुर्व्यवहार करने और उसे थप्पड़ जड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेलर चालक ही गाड़ी का मालिक था और उसने ही अपनी बहन को मौके पर बुलाया था। आरोपी महिला और युवक के मोबाइल पर कई और वीडियो मिले हैं। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। ये पूरी कार्यवाही सरकंडा पुलिस ने की है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी में पदस्थ आरक्षक को ड्यूटी के दौरान चांटा मारने वाली महिला और उसके भाई को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि नो एंट्री के समय ट्रेलर जाने से रोकने पर चालक ने आरक्षक मरोज सिंह से विवाद करते हुए अपनी बहन को मौके पर बुला लिया था। विवाद देख अन्य आरक्षक स्टाफ लेने के लिए थाना चले गए। इस दौरान महिला ने आरक्षक मरोज सिंह को थप्पड़ जड़ दिया और इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो के वायरल होते ही इसकी जांच शुरू की गई तो मालूम चला कि ट्रेलर चालक ही ट्रेलर का मालिक था और वह अपने परिवार के सदस्यों को बुलवाया था। मामले में सरकंडा थाना पुलिस ने गीता सारी और उसके भाई रमन तुरकर को शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जो भी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का जो धारा लगा है 186, 353 और 294, 34 और 332, इसमें आरोपियों ने आरक्षक के साथ मारपीट की है। इसमें आरक्षक ड्यूटी के दौरान एक नो एंट्री में गाड़ी घुसी थी जिसे रुकवाया था। रुकवाने के दौरान ड्राइवर जो स्वयं मालिक भी है वो अपने परिजनों को बुलवाया, उसकी बहन आई और आरक्षक के साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की। वीडियो फुटेज के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अपराध कायम कर भेजा जा रहा है। दरअसल घटना के बाद आरक्षक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसे एसएसपी पारुल माथुर ने संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। घटना के बाद पूरे प्रकरण की जांच सीएसपी स्नेहिल साहू ने की। मामले में वाहन चालक और उसकी बहन दोषी पाए गए। वीडियो फुटेज के आधार पर भाई बहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोमवार को आरोपी महिला और उसके भाई को सरकंडा पुलिस ने न्यायालय पेश किया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बसंत विहार स्थित एसईसीएल कॉलोनी में चोरी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसईसीएल कर्मी अनिल कुमार पाड़ी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि परिवार के साथ वो काम से उड़ीसा गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके घर में चोरी की घटना हुई है। घर से एप्पल का लैपटॉप और टेबलेट गायब था। जांच कार्यवाही के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि खमतराई का रहने वाला करण सप्रे लैपटॉप और टेबलेट बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश देकर चोरी का माल बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये प्रार्थी एसीसीएल में कर्मचारी, उसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। इसके यहाँ एक बाहर गया था तो चोरी हुई थी, जिसमें लैपटॉप कैमरा चोरी हुई थी, जिसमें करण सप्रे को पकड़ा गया, उसे एक लैपटॉप और एक आईफोन पकड़ा। आगे कार्रवाई की जा रही है। बिला थाना क्षेत्र स्थित चूराघाट के शिवनाथ नदी में 7-8 माह के शिशु की लाश मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पाकर पहुंची बिल्हा पुलिस ने मौके पर तहकीकात शुरू की। शिशु का शव नदी में बहकर आया है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया है,
पुलिस इस संदिग्ध मामले की जांच कर रही है। गेहूं की नई वैरायटी सीजी 1036 आहार और गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरा है। कोनी अनुसंधान केंद्र में ये किस्म 10 साल में तैयार की गई है। अगले साल से पूरे मध्य जोन क्षेत्र के किसानों के खेतों में गेहूं की नई किस्म का उत्पादन शुरू होगा। पूरे देश को 4 जोन में बांटकर अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना गेहूं की नई किस्में विकसित करता है। इस दिशा में मध्य जोन का एकमात्र अनुसंधान केंद्र कोनी के कृषि महाविद्यालय में संचालित है। यहां वर्ष भर इस पर प्रयोग किया जाता है। यह तैयार गेहूं की नई वैरायटी सीजी 1036 आहार के रैंकिंग में अब तक का सर्वोच्च 8.5 अंक पाया है। मध्य जोन अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक एपी अग्रवाल बताते हैं, कम समय में भरपूर पैदावार को ध्यान में रख 10 साल चलाया प्रयोग सफल रहा। मध्य जोन में शामिल छत्तीसगढ़ के अलावा नई किस्म की फसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के किसान अपने यहाँ ले सकेंगे। पिछले साल एक सीजी 1029 किस्म दी, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में देर सी बोनी के लिए उपयुक्त है। इस साल जो अखिल भारतीय हमारी कार्यशाला हुई अनुसंधान कार्यकर्ताओं की ग्वालियर में, उस अनुसंधान कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की जो एक किस्म है सीजी 1036, इसको पुनः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है। सीजी 1036 गेहूं से बनाई रोटी सफेद, मुलायम और फुलाव में बेहतर पाया है। नई किस्मों की जांच पंजाब के करनाल में केंद्रीय प्रयोगशाला में किया जाता है। शरबती गेहूं क्वालिटी में सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से अब तक देश में 500 से ज्यादा गेहूं की वैरायटी इजाद की गई है। इनमें से किसी का भी नाम शरबती नहीं है। ये व्यापारियों द्वारा प्रचलन में लाया गया ट्रेड नेम है, जैसा कि अकेले मध्य जोन के कोनी अनुसंधान केंद्र में वर्ष 2010 से अब तक गेहूं की 14 नई किस्में तैयार की है, जिसे अलग अलग नाम दिया है। शरबती एक्चुअली एक ये ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज तक गेहूं की ऐसी कोई भी किस्म नहीं निकली है जिसका कि नाम शरबती हो। तो शरबती एक व्यापारिक नाम है और इस व्यापारिक नाम से यह तात्पर्य निकलता है कि इससे रोटी अच्छी बनती है। जिस गेहूं से रोटी अच्छी बनती है उस गेहूं को हम शरबती गेहूं कहते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ और इससे लगे प्रांतों में तापमान सामान्य से ज्यादा होता है, इसलिए ताप सहनशीलता वाले गेहूं की किस्म की मांग अधिक रहती है। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सीजी 1036 किस्म को मांग पर विद्या नाम दिया जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सेवानिवृत्त 100 से ज्यादा शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों का सम्मान किया। प्रार्थना सभागार में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में शिक्षक और छात्र की भूमिका पर अतिथियों ने प्रकाश डाला। वर्तमान परिदृश्य में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समाज निर्माण में महती भूमिका की आवश्यकता महसूस की गई। इस अवसर पर सरकारी महकमे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त जो हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षक बंधु हैं, साथ ही अन्य कर्मचारी संघ के जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका सम्मान समारोह हम आयोजित किए हैं। और इस तारीख में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लगभग 94 सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और लगभग 30-35 अन्य विभाग के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका कार्यक्रम आयोजित है। रविवार को हुए भारत पाक के बीच रोमांचक मैच का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। मन्नू चौक, टिकरापारा सहित शहर के अलग अलग क्षेत्रों में LED प्रोजेक्टर लगाकर लाइव मैच दिखाने की व्यवस्था की गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल कर लिया। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत लेगा और लगभग अंतिम से एक ओवर पहले तक यही स्थिति बनी रही, मगर आखिरी ओवर भारत के लिए हार लेकर आया। उत्साह से झूमते दर्शक क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो भारत की हार से निराश हो गए। जगह जगह भीड़ की शक्ल में मैच का लुत्फ लिया जाता रहा। उत्साह बनाए रखने डीजे के अलावा गगनभेदी नारे लगाए गए।
गौरतलब है कि एशिया कप में 2014 के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान से हारा है। जनपद बिल्हा के तहत आने वाले पंचायतों में कार्य को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में जनपद सीईओ बीआर वर्मा ने सचिवों से गहन चर्चा की। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, मनरेगा, वृद्धा पेंशन योजना, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन और शौचालय सहित तमाम मुद्दों पर जोर देने जनपद सीईओ ने कहा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का दौरा कभी भी इस क्षेत्र में हो सकता है, लिहाजा पंचायतों में रुके कार्यों को लेकर अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। कौन सी योजना है जो आपके यहाँ चल रही है, वो निर्माण कार्य और क्या उसकी स्टेटस है, उसमें सभी शामिल है। मनरेगा से जो काम चल रहा है, वो जो काम आपका SDM से चल रहा है, वो जो शिक्षा विभाग से चल रहा है वो। इधर किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के बाद NTPC प्रबंधन फसल का मुआवजा नहीं दे रहा है। प्रभावित किसानों का कहना है कि पौने दो साल से वो तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, उन्हें मुआवजा की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। NTPC ने जिन जिन किसानों का जमीन अधिग्रहित किया था उन्हें उनका फसल का मुआवजा देने का वादा किया था। बीते 10 सालों से जो प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा मिल रहा था, लेकिन बीते जो 2 साल से इनका कहना है कि पौने 2 साल से उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। प्रभावित लगातार तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। NTPC से पूछे जाने पर उनका कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। हम बात करते हैं अम्मा जी, ये बताएंगे कितने समय से चक्कर काट रहे हो, क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? नहीं आ देंगे का देंगे तो फिर देवे नहीं करे साहब, कतका दिन के चक्कर काटत हैं, आऊ आ रहे हैं जेठ में आऊ आ रहे हैं और देहा कथा देवे नहीं करे। बहुत परेशानी आते हैं, 10 बार आते हैं तब भूल कर कहते नहीं है, कहे सुनाई नहीं, का करी। हर हमेशा मिलता था, अभी बच्चे का मैं शादी किया हूँ, इतना परेशान हूँ, कर्ज लेकर तो शादी किया हूँ, वही पैसा अगर मिल जाता तो कर्ज मैं अदा कर देता। हम लोग गरीब तो आदमी हैं, उसी में से मतलब खेती किसानी करते हैं, छठी छवारी करते हैं, हर काम करते हैं। अभी तक अब पैसा नहीं मिले, कम से कम 6-7 बार यहाँ चक्कर काट लिए। NTPC अधिकारी वहाँ भी गए थे तो वहाँ कोई नहीं मिला अपन को। आप जैसा कि आपने किसानों को सुना, इनका कहना है कि ये 2 फसल लेते थे उस भूमि पर, लेकिन इन्हें एक ही फसल का पैसा दिया जाता है सालाना, जो 50,000 रुपये प्रति एकड़ निर्धारण किया गया है। और बात करेंगे, दो फसल आप लोग लेते थे? हाँ, दो फसल लेते थे सर, और बोलने पर एक फसल ही मुश्किल से तय किया, उतना भी खुश हैं, लेकिन आप लोग जल्दी उसका सर्वे कर लिया करो और किसानों को जनवरी फरवरी में पैसा दे दिया करो। लेकिन ये लोग लेट लफीटे करते हैं, जून महीने वहाँ सर्वे कटे जाते हैं सर, दल्दल जमीन गीला सूख जाएगा क्योंकि धूप में कम, उसके बाद भी उस समय जाते हैं तो जमीन गीला और पटिर पाते हैं, उसके बाद में कहीं ले देकर बाद में देखो अभी अगस्त आ गया, अभी तक से हमें उस फसल का अभी हमें मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे हम चक्कर मतलब लेकर रहे हैं सर। अब फिर नया अभी फसल को शुरू से ही देखा गया कि NTPC प्रबंधन लगातार अपनी मनमानी करता आया है और जो प्रभावित किसान है उन्हें काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, जो उनके आजीविका का जो साधन है, मूल साधन है खेती किसानी, वो उनसे छिन गया, लेकिन जो मुआवजा उन्हें जो समय पर मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो तहसील कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा TV, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का वक्त है, मगर सत्ता में आने के लिए भाजपा काफी बेचैन है। यही कारण है कि चुनाव नजदीक देखकर धरना प्रदर्शन के अलावा तमाम तरह के कार्यक्रमों में तेजी लाई जा रही है। प्रदेश के भाजपाइयों में उत्साह जगाने केंद्र के दिग्गज मंत्री और संगठन के नेता भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। 9 सितम्बर को इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रायपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन की तैयारी और भीड़ जुटाने भाजपा नेता बैठकों का दौर चला रहे हैं। बिलासपुर में भी लगातार इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही है। सोमवार को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने सिंधी पंचायत भवन में पश्चिम मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष से लेकर जितने भी कार्यकर्ता है सब उस कार्यक्रम में जाएंगे, उसकी तैयारी के संबंध में हम सब यहाँ पर आज एकत्र हुए थे पश्चिम मंडल में, और हमारे बिलासपुर में जिले से लगभग 3,500 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं, सारे कार्यकर्ता वहां निश्चित तौर पर पहुँच जाएंगे। तैयारी बैठक है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि वो सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन होगा और व्यूह रचना भी तैयार होगी कि कैसे हम नीचे इकाई पे जा करके अपने राष्ट्रीय नेताओं के और उनके उद्देश्यों और कार्यक्रमों और केंद्र की योजनाओं और पहले जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ का
का विकास हुआ था और छत्तीसगढ़ की जो निर्माण हुआ था, इन विषयों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाएंगे। समस्त कार्यकर्ताओं को 9 सितंबर को रायपुर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर कार्यक्रम की जानकारी दी है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सब रायपुर जाके कुछ करेंगे। प्रदेश के सरपंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 22 अगस्त से काम और कलम बंद हड़ताल पर हैं। 10 सितंबर को रायपुर में महाधरना की घोषणा की गई है। इसकी तैयारियों में व्यस्त सरपंचों के खिलाफ षड्यंत्र भी शुरू हो गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खुद के बारे में अनावश्यक रूप से शिकायत किए जाने को लेकर सफाई दी। श्री उपाध्याय ने कहा कि शायद राज्य सरकार सरपंचों के हड़ताल से डर गई है, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए झूठी शिकायतें कराई जा रही है। प्रशासन से शिकायत की जांच कराने की मांग उन्होंने की है। मैं कुछ कर नहीं जानता सर, जो आगे मोर लिए शिकायत करे है और लिख के जो दिए है, मैं कुछ कर नहीं जाना। मैं गरीब आदमी और ना मैं लिखे हो ना पढ़े हैं, मैं अंगूठा छाप, मैं कुछ कर नहीं जानो साहब। मैं कहा चाहत है जो सरपंच मौला बोली कि दैसे दैसे तय करे हजला तेल, मैं कहें कुछ कर नहीं जानो सर। मैं कहें मैं गरीब आदमी कार्य कर सकता था, तोर पास कमात हूँ खात हूँ, नहीं तो फिर भूखे पूछ सोत हूँ। 22 तारीख से काम बंद कलम बंद का आह्वान किया, उसके बाद हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले बैठक लेके 10 सितंबर को रायपुर में महाधरना का भी ऐलान फिर कर दिया है। तो उसी का खीज है कि पता नहीं क्या है, आज दुर्भावनावश एकदम मेरे नाम से बेबुनियाद आरोप लगाया गया है कि इसने सरपंच ने बेजा कब्जा किया और उनको कारावास हुआ है। तो ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है, तो ये एकदम बेबुनियाद आरोप है। अब आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर जगह जगह पूजे गए गुरुजन, सिम्स सहित अनेक संस्थानों में हुए कई कार्यक्रम। आरक्षक को छापर मारने वाली महिला और उसका भाई गिरफ्तार, नो एंट्री में ट्रक ले जाने से हुआ था विवाद। भारत पाक के रोमांचक मैच में पाक ने लिया पिछली हार का बदला, दर्शक हुए मायूस। और गणेश पंडालों में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का बढ़ाया जा रहा उत्साह। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। शहर में गणपति बप्पा मोरिया की धूम मची हुई है। प्रमुख चौक चौराहों और गली मोहल्लों में गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरगंडा बंधुआपारा में गणेश उत्सव समिति चंद्रमौली मंदिर द्वारा डांस स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करने अतिथि के तौर पर वार्ड पार्षद श्याम साहू समेत नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यहाँ श्रद्धा समिति गणेश उत्सव करके है, वहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम है जिसमें प्रतियोगिता है। पहला इनाम रखा गया है 1,000, दूसरा इनाम है 500 और तीसरा 300। प्रतियोगिता डांस है ये, और ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि पहले रंगारंग कार्यक्रम होता था, आजकल वो कार्यक्रम कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है, वैसे है ही नहीं। तो हम बच्चों को प्रोत्साहित के लिए यह कार्यक्रम कराते हैं। बंधुआपारा अपने आप में पहले भी सांस्कृतिक के क्षेत्र हो, चाहे ये रंगारंग कार्यक्रम का क्षेत्र हो, अपने आप पहचाना जाता है। आज मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया कि लोग अपने बच्चों को लेकर इस डांस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिले में एक बार फिर कोरोना टीकाकरण अभियान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आलम यह है कि बूस्टर डोज निशुल्क होने के बाद भी लोग टीका लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 500 से कम लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जिसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिले में कुल 13.5 लाख लोगों को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 1.5 महीने के निशुल्क बूस्टर डोज अभियान में अब तक 3.5 लाख को ही बूस्टर डोज लग सका है, जबकि आने वाले 30 सितंबर के बाद निशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद एक निश्चित शुल्क पर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। रविवार को तो बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक में कोई वैक्सीन लगवाने तक नहीं पहुंचा,
लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर सभी ब्लॉक को अलर्ट नोटिस जारी किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें आके टीकाकरण करा लें, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें शुल्क लगना शुरू हो जाएगा जो थोड़ी सी तकलीफ दे रहती लोगों को। तो मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि आप अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी छूट गए हैं, समीप के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और CSC या जिला अस्पताल में जाकर इस टीका को अवश्य लगवाएं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है हमारे पास कोरोना से बचने के लिए। बिलहौट मस्तूरी में पता चला कि वहाँ जीरो डोज कल लगा ही नहीं है, वहाँ के BMO को नोटिस जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग 30 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत पिछले कुछ दिनों से टीकाकरण में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि 500 का आंकड़ा पाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि रोजाना का लक्ष्य 10,000 रखा गया है। लोकसोल टीवी के लिए कैमरामैन जयंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर जिले में संचालित विभिन्न नर्सिंग होम सहित अस्पतालों में एक बार फिर नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन किया है। तखतपुर के 3 अस्पतालों में मिली खामियों को लेकर नोटिस दिए जाने की जानकारी देते हुए CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि बिलासपुर में भी 7 नए नर्सिंग होम और अस्पताल के आवेदन मिले हैं, जिसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। तखतपुर ब्लॉक में 3 नर्सिंग होम की जाँच की और निरीक्षण में जो जो कमियां पाई गई है उनके लिए उनको आज नोटिस जारी किया जा रहा है, और ताकि वो अपने कमियों को सुधार लें और सुधारने के बाद पुनः उन लोग आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो फिर से एक बार हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही उनको लाइसेंस की प्रक्रिया में दिया जाएंगे। बिलासपुर में भी 7 आवेदन आए हैं, उनके लिए भी अब टीम बना के शीघ्र जांच शुरू करने वाले हैं। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराब को लेकर जमकर हंगामा मचाया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शराबबंदी को लेकर महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल थे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने शराब भट्टी के सामने पंडाल भी लगा दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया। पूरे प्रदेश में शराब भट्टी के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आएंगे तो बोले थे कि वह कि मैं पूर्ण शराबबंदी करूंगा, और आज वह सत्ता शासन का लाभ ले रहे हैं मगर वह पूर्ण शराबबंदी नहीं की है। हमको उनको होश में लाना पड़ रहा और उनको याद दिलाना पड़ रहा कि ये आपका वादा है, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। कहाँ गया आपका वादा, जो आप गंगा जल पकड़ के जो कसम खाए थे वो कहाँ गया? हमारे सरकार से विरोध है कि उन्होंने जो कसमें खाई हैं उनको पूरा करने में असमर्थ है। हम चाहते हैं कि गंगा जल का कसम खा के जो वादा किया था कि पूर्ण रूप से शराबबंदी बंद करेंगे, वो वादा में अपना वादा निभाएं, यही हमारी रिक्वेस्ट है। चकरभाटा के रेलवे स्टेशन के पास एक आश्रम से मारपीट का मामला सामने आया है। आश्रम के महाराज सपनपुरी से कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। पीड़ित महाराज ने बताया कि रात में 2-3 युवक घर में घुसे और पानी मांगने लगे। उनके द्वारा मना किए जाने से क्षुब्ध होकर युवकों ने मारपीट की। मामले की शिकायत चकरभाटा पुलिस ने दर्ज कर ली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर RV ब्लॉक हार्ट रेलखंड के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जाना है। इसके साथ ही मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन यार्ड आधुनिकीकरण और नए रायपुर स्टेशन की कमीशनिंग की जाएगी। यही कारण है कि 6 से 13 सितंबर तक अलग अलग तिथियों में फिर से 10 यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के विरोध और प्रदर्शन के बावजूद रेलवे बार बार और अधिक ट्रेनों को रद्द कर रही है। ऐसा कर रेल प्रबंधन एक तरह से छत्तीसगढ़ की गैरत को ही ललकार रहा है। रेलवे का यह रवैया केवल जबानी जमा खर्च से रुकने वाला नहीं है, इसके लिए रेलवे जोन जैसे आंदोलन की जरूरत महसूस की जा रही है। रेलवे तो बार बार संदेश दे रहा है कि चाहे जितना चीख चिल्ला लो हम नहीं सुधरेंगे। रेल प्रबंधन की ओर से जारी एक और विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर RV ब्लॉक हट रेलखंड के बीच दूरीकरण का कार्य, मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन का यार्ड आधुनिकरण, लखौली मंदिर हसौद के बीच नए रायपुर स्टेशन की कमिश्निंग, रायपुर लखौली के बीच विद्युतीकरण सहित नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों के कारण गाड़ियों का परिचालन प्रभावित किया जा रहा है।
खोली नयापुर नया डबलिंग लाइन बन रहा है, जिसके कारण कुछ दिन का यात्री बोर्डिंग का काम और डबलिंग का कार्य चल रहा है, जिसके कारण कुछ दिन के लिए बेसिकली 5 दिन के लिए ट्रेनें कैंसिल की गई है और कार्य खत्म होते ही पुनः ट्रेनें सारी रिज्यूम कर दी जाएगी। रेलवे द्वारा कराए जा रहे ये कार्य बेहद महत्वपूर्ण है और इससे यात्रियों को आने वाले समय में फायदा होगा, इसलिए समय व तिथि देखकर ट्रेनें रद्द व परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। हालांकि यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, पर यह काम आज नहीं तो कल करना ही था, इसलिए रेलवे का कहना है कि अभी थोड़ी परेशानी हो सकती है मगर बाद में ट्रेनों के बेहतर परिचालन से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जोन स्थित अलग अलग रेलखंडों में पिछले महीने कई रेल हादसे हुए हैं। हालांकि इन हादसों में जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रेलवे को आर्थिक क्षति जरूर हुई है। जोन में हुए अलग अलग हादसों की जांच के लिए टीम तैयार की गई है, जिनमें कुछ रेल हादसों की जांच रिपोर्ट जोन कार्यालय में जमा कर दी गई है। इसके बाद विभागीय स्तर पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। रेल हादसों में जो भी रेल के जो भी डिलमेंट के केसेस हुए हैं, सारी जांचें चल रही है, उसके जांच कंप्लीट भी हो चुके हैं और रेलवे अपने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपने प्रोसीजर के अनुसार उनको डिस्पोजल कर रहा है। कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ नई रेल लाइन की योजना ठंडे बस्ती में चली गई है। रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन घोषणा के बाद इस महत्वपूर्ण योजना को भूल गया है। 227 किलोमीटर की नई रेल लाइन की जो मंजूरी है वर्ष 2018 में दी गई थी, इसकी अनुमानित लागत 4,821 करोड़ थी, लेकिन इस ओर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने रेलवे को पत्र जारी कर बजट नहीं होने की बात कही है। यही कारण है कि इस नई रेल परियोजना पर काम जो है शुरू नहीं हो सका है। घुरू अमेरी अंडरब्रिज का काम भी इसके चलते अधर में लटक गया है। सरकार के साथ इनका एग्रीमेंट था, जैसे कटघोरा मुंगेली लाइन जो भी है, जिसमें राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है, मंत्रालय के स्तर पर योजना है ये। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के बाहर निकलने के लिए मात्र एक ही रैंप बनाया गया है। गेट नंबर 4 के पास रैंप के जरिए यात्री भीड़ से अलग होकर आसानी से स्टेशन में प्रवेश करते हैं, साथ ही बाहर निकल सकते हैं। इसका निर्माण इसलिए कराया गया ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। जोनल स्टेशन में बाहर निकलने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं। इन सभी द्वार पर यात्री अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग जो है निकलने और आने के लिए करते हैं, लेकिन विभागीय अड़चनों का हवाला देकर कुछ जगहों के रैंप को बंद कर दिया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मात्र शिशु अस्पताल के 3री मंजिल में लगे जो है वाटर कूलर बंद पड़ गए हैं, लिहाजा मरीज और उनके परिजनों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन को इस संबंध में मरीजों ने कई मर्तबा शिकायत भी की है, इसके बाद भी यहाँ के हालात जस के तस हैं। कमियां असुविधाएं लोगों के सामने होती है और इसकी शिकायत भी संबंधित विभाग से की जाती है। शहरी मामलों में इसके लिए लोग नगर निगम और अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात कहते हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या लगता है कि समाचार कवरेज से ये समस्या जनप्रतिनिधियों की आंखों तक पहुंच सकती है तो आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।